वेलकम टू आवर चैनल मित्रों। आज हम लोगों ने एक रेल सेंस किया है, तो आज आप लोगों को वो देखा रहा हो, क्योंकि देखिए काम के टाइम तो मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, काम के टाइम तो वीडियो बनाना होता नहीं है, क्योंकि काम भी करना पड़ता है। अगर सब लोगों ने काम करेंगे और हम वीडियो बनाएंगे तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए तो थोड़ी थोड़ी जितना हुआ उतना बनाया, उसके साथ एक नोज भी बनाया है, तो वो भी थोड़ी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। और वो जो नोज है वो जिस दिन लगाऊंगा वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा। तो चलिए मित्रों, देखिए हम लोगों के साथ हम लोग मलेशिया में किस तरह काम करते हैं। तो इसी तरह आप लोगों को हर तरीके की जो पंप्लेनेट में जो काम होता है उसका जानकारी हम लोग देते रहेंगे। तो सब्सक्राइब टू माई चैनल और आगे आगे आप लोग देखते जाइए, कितना यहाँ पे बहुत सारी काम होता है, तो हम तो ज़्यादा बना नहीं पाता हूँ वीडियो, फिर भी मैं कोशिश करूँगा तो हो जाएगा धीरे धीरे, मैं जितने जितने हो सके तो धीरे धीरे मैं बनाऊँगा। तो बने रहे आप लोग हमारे साथ मित्रों। हम लोगों ने ये रील काट के अभी रखा है, तो काटने का वीडियो तो हम बना नहीं पाया, तो काट के ये जो नया प्लेट भी चढ़ा दिया हम लोगों ने, और अभी रील टूटा हुआ था, ये टूट गया था इसलिए। और ये हमारा स्विच पॉइंट का नोज है, तो ये नोज भी अभी बना के रखते हैं, क्योंकि ये दूसरा जगह पे लगेंगे, इसलिए इसको काट के भाई ने रख रहा है अभी। ये इसी तरह ही होता है, क्योंकि ये तो हमारी कंट्री की तरह तो हेवी गाड़ी नहीं चलेंगे, हेवी ट्रेन तो नहीं जाएंगे, इसलिए ऐसे काट के इसको ग्लेंडिंग करके उसके बाद इसको वॉलिंग किया जाता है। इसका अभी काम बहुत बाकी है, क्योंकि इसका अंदर अभी और भी एक रेल का टुकड़ा देंगे, उसके बाद इसका वॉलिंग किया जाएगा, ग्लेंडिंग की बात वर्लिंग किया जाएगा। क्योंकि ये अंदर से काट के फेंक दे रहा है, इसलिए क्योंकि इसका अंदर और भी एक रेल का जो ऊपर का जो दिख रहा है, ऊपर का जो हिस्सा, जो मोटा हिस्सा, वो उसका अंदर देख के इसको वॉल्डिंग किया जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत हो इसलिए। तो एक बनाना हो गया, अभी दूसरे को काटेंगे। अभी ये दूसरा वाला काटेंगे, तो इसका एक माप होता है, क्योंकि ये ऐसे काट देगा तो इसका वो एडजस्ट नहीं होगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से काटना पड़ता है, बहुत सावधानी से इसको काटना पड़ता है। ये काम भी बहुत रिस्की है, क्योंकि ये आँख को देखता है ऑक्सीजन से किस तरह एक सेकंड के अंदर इसको काट देता है। तो हो गया, ये दोनों काटना हो गया, इसी तरह मिल जाएगा। तो अभी भी थोड़ा एडजस्ट होने में बाकी है, इसलिए थोड़ा काटेंगे। ये तो आज लगाऊंगा नहीं, ये कल या परसों दूसरे दिन लगाऊंगा, क्योंकि एक जगह पे उन्होंने टूटा हुआ है, वहाँ पे लगाना पड़ेगा, इसलिए भाई ने बना रहा है अभी।
तो ये हमारा टूटा हुआ रेल है, एक जो रेल टूट गया वो, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो इसका क्लिप व्लिप तो चौरा दिया और एक भाई ने टाइट कर रहा है अभी क्लिप को। तो इसी तरह कुछ काम होता है। तो रेल यहाँ पे रखा है हम लोगों ने, अभी नया रेल डालेंगे इसके ऊपर। तो अभी ये नया रेल लेकर निकलेंगे हम लोग। ये रेल ज़्यादा भारी नहीं है, फिर भी लगभग 60 से 70 किलो हो जाएगा लगभग। ये दो आदमी पकड़ के ऐसे करके लेके इसके ऊपर चढ़ा देता हूँ। इसी तरह हम लोग चढ़ा देता हूँ। इसके बाद इसका और पीस प्लेट, इसका जो जॉइंट है जॉइंट पे प्लेट लगाएंगे नट की मदद से। ये जो जॉइंट देख रहे हैं, ये जो जॉइंट देख रहे हैं, जॉइंट पे अभी पीस प्लेट चढ़ाएंगे। तो इसी तरह पीस प्लेट लगा के इसी तरह नट की मदद से हम लोग टाइट करते हैं। हमारा कंट्री में क्या होता है, वो जॉइंट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट नहीं होता है। ये रेल थोड़ा बड़ा है, इसको अभी काट देंगे। तो अभी भाई रेल को काट रहा है, तो पुराना वाला रेल को काट रहा है, क्योंकि इसका माथा भी थोड़ा टूट गया है, थोड़ा बैंड हो गया, इसलिए इसको यहाँ पे काट दिया जाता है। क्योंकि नहीं काटने से तो ये एग्जस्ट नहीं होगा, इसलिए इसको काट दे रहा है अभी। इसी तरह रेल को काटता है, काट के इसको वो माथे को वो हटा दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे और इसको पीस प्लेट पर लगा देंगे। तो मित्रों वीडियो तो और बना नहीं पाया। तो मित्रों देख लिया आप लोगों ने किस तरह और रेल हम लोगों ने लगाया है। तो वो लगाना तो फुल हम देखा नहीं पाया, क्योंकि हम भी काम कर रहा था उस टाइम, तो वीडियो नहीं बना पाया। जितना हो सके तो वो आप लोगों को दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मलेशिया में जो पाम प्लांट में काम होता है, ये बहुत मेहनत का काम होता है, हर तरीके का काम। यहाँ पे कोई आसान काम नहीं है। जो इतना मेहनत होता है क्या बताओ आप लोगों को। जो है यहाँ पर उन लोगों की पता चलता है कि यहाँ पे कितना कितना कैसा कैसा काम होता है। तो मित्रों इसी तरह हम लोग काम करते हैं और आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी शेयर करता हूँ। तो मित्रों देखते रहिए हमारे साथ और बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज के लिए यही तक।